सुश्री रत्नोत्तमा सेनगुप्ता जी का व्याख्यान होगा, उसके उपरांत तीसरी कसम फिल्म का प्रदर्शन। मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के निदेशक श्रीमती वंदना पांडे जी से निवेदन है कि वे रत्ना जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करने का कष्ट करें। का एक लंबा कैरियर कला और सिनेमा की पत्रकारिता करते हुए व्यतीत हुआ है। देश के अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों की जूरी में आप सदस्य रही हैं। देश दुनिया की आपने यात्राएं की हैं और विशेष रूप से अपने पिता की फिल्मों को लेकर आपने समय समय पर बहुत गहन विचार किया है। वर्तमान में नवेंदु घोष जी की जन्म शताब्दी का वर्ष चल रहा है और ये मार्च 2017 तक जारी रहेगा। इस बीच आपने हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई अनेक शहरों में नवेंदु दा के ऊपर आयोजित आदरांजलि फिल्म समारोह को आयोजित उनके बारे में बहुत विस्तार से सबको बताया है। नवेंदु दा ने लगभग 150 से ऊपर अधिक फिल्मों की पटकथाएं लिखी थी और अपने जमाने के अपने समय के सभी ख्यातनाम फिल्म निर्देशकों, चाहे वो विमल राय हों, चाहे ऋषिकेश मुखर्जी हों, चाहे दुलाल गुहा हों, चाहे आशीष सेन हों, सभी के लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में लिखी थी। हम रत्ना जी से अनुरोध करेंगे, एक सहयोग है कि वे यहाँ भोपाल पधारी हैं, कि वे अपने पिता की स्मृति को लेकर, उनके सृजनात्मक अवदान को लेकर उद्बोधन करें। उनके वक्तव्य के बाद फिर हम तीसरी कसम फिल्म देखेंगे। ये वक्तव्य लगभग आधे घंटे का होगा जिसमें वो व्यापक रूप से अपने पिता के सारे सृजनात्मक आयामों पर चर्चा करेंगी। रत्ना जी, धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद कला विभाग, संस्कृति विभाग को कि ये अवसर मिला मुझे नवेंदु घोष और सिनेमा इस पे बोलने का। अगर मेरी हिंदी में कुछ कहीं चुक रह जाए प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। हिंदी के सिनेमा, हिंदी सिनेमा मतलब बम्बई से बने सिनेमा, इसको इंडियन सिनेमा शब्द से ही हम बोलें या बॉलीवुड शब्द तो बाद में आई है, इंडियन सिनेमा इस कारण से क्योंकि इंडिया के किसी भी कोने में ये सिनेमा दिख जाती है। सिनेमा इसीलिए, चाहे नवेंदु घोष का नाम सुना हो या ना सुना हो, उनके कला से लगभग सभी के मतलब थोड़ी बहुत परिचय थोड़ी बहुत है, क्योंकि उन्होंने फिल्में जो देखी आपने अभी, देवदास, सुजाता, बंदनी, अभिमान, आर पार, गुरुदत्त साहब के, लाल पत्थर, सुशील मजुमदार, तीसरी कसम तो आज देखेंगे आप, अभिमान, कई और है फिल्म। मेन एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉवेल उन्होंने शुरू किया था, ख़त्म नहीं हुआ, कई सपने अधूरे रह जाते हैं। फिल्म आपने अभी देखी, उसमें बताया कि डॉक्टर बाबू जो फणीश्वरनाथ रेणु, तीसरी कसम के जो लेखक थे, उन्हीं का उपन्यास मैला आंचल, उस पर उन्होंने शुरू करी, वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन सारे ही जो है वो साहित्य से ज़्यादातर उन्होंने जो पटकथाएँ भी लिखी वो साहित्य से, छोटी शॉर्ट स्टोरीज, कहानियाँ और कुछ उपन्यास। शरद चंद्र के 5 उपन्यासों का उन्होंने पटकथा लिखे, परिणीता, देवदास, मंजली दीदी, विराज बहू और स्वामी भी उन्होंने लिखा था, जो बाद में बासु चैटर्जी फिल्म बनाए। तो 5 शरद चंद्र की उपन्यास और बाकी जो सुजाता, बंदिनी आपने सब देखे, सुजाता सुबोध घोष की कहानी है,
बंदिनी जरासंध की कहानी है, तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु, त्रिशाग्नि उन्होंने बनाई, शरदिंदु बंदोपाध्याय जो बुमकिश के लेखक के तौर पे बहुत अभी जिनको लोग पहचानते हैं, ऐसे ही मतलब बहुत लेखक के मतलब साहित्य के लेखकों की कहानी पे वो पटकथा लिखते रहे और खुद जब पटकथा लिखे तो खुद की कहानियों पे नहीं लिखा उन्होंने। क्यों ऐसा हुआ वो उसमें बाद में मैं आऊँगी। नवेंद्र दा ने एमए इंग्लिश में किया लेकिन जिंदगी भर वो बंगला में ही लिखते रहे। पटना में पले बड़े तो हिंदी से काफ़ी परिचय अच्छा ही था, पर बंगला में लिखते थे और वो ये स्कूल से ही उनकी शुरुआत हुई। और जैसा आपने देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे वो लिख रहे थे इसलिए नौकरी चली गई। दो दो बार ये हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सबवर्सिव मानते थे क्योंकि उनको चेतावनी दी गई कि आप ये लिखना बंद कर दो, तो उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। फिर ऑब्वियसली नहीं परमानेंट होते तो लगातार फिर लेख में ही चले आए। पर उस समय उधर पोथे फिल्म बनी थी जो कि बहुत ही एक क्रांतिकारी मतलब इंडियन सिनेमा में क्रांतिकारी एक जगह अपना है उस फिल्म का, क्योंकि दिस वाज़ द फर्स्ट फिल्म जो कि सोशलिस्ट रियलिज्म पे बनी, ये क्लास डिफरेंसेस पे के एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी और एक लेखक के साथ घर से निकल जाती हैं और ये लेखक जो है इंटेलेक्चुअल प्रतिवादी है। तो ये 40s के मिजाज को इन्होंने जो पकड़ा था, तो ज्योतिर्मय राय राइटर थे, बिमल रॉय की फर्स्ट फिल्म और ये न्यू थिएटर से बनी थी। जितने भी फिल्म उनके सुपरहिट बने थे उनके जो बाकी बचा हुआ रॉस्टॉक था उस रॉस्टॉक से, क्योंकि वो इस फिल्म को मतलब उनका था कि पता नहीं ये लोग कैसे पसंद करेंगे, तो बचा खचा रॉस्टॉक से फिल्म बनी और बहुत सुपर 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 डुपर हिट उस टाइम के। मतलब वहाँ जैसे शोले में बाद में चल के हुए कि वो डायलॉग्स बिकते थे तो पान की दुकान में डायलॉग्स उदय पोथे के, जो बाद में हमरा ही नाम से हिंदी में रिलीज न्यू थिएटर्स ने बनाए और रिलीज करी। तो उस फिल्म को देखकर उनके मन में आया कि बिमल रॉय अभी कभी मैं फिल्म में लिखूं तो बिमल रॉय साहब का लिखना चाहूँगा। असल में उनका जो मिजाज था ये IPTA वगैरह 40s के जो इनका जो है ये क्लास कॉन्शियसनेस और क्लास डिवाइड का मिजाज था, तो इनके लेख में जो है लगातार 40s के फैमिन, 40s का पार्टीशन, प्री पार्टीशन रायट, कहीं पे न्यूक्लियर ब्लास्ट, उसके बाद भी जो नई रिपब्लिक हुई, नए रिपब्लिक के स्वप्न भंग, उसका जो है चेहरा वो उन्होंने अपने नॉवेल में लिखा। मृणाल सेन डायरेक्टर, बहुत ही ख्यातिमान लेजेंडरी डायरेक्टर, वो कहते हैं नबेंदु दा के साहित्य के बारे में कि उनकी दुनिया में इविल इज नॉट द नेचुरल स्टेट ऑफ अ मैन। ये उनके स्टेट में है कि मैन अगर कोई बुराई भी करता है वो सामाजिक कारण से करता है, वो अपने अंदर में कोई भी आदमी बुरा नहीं है। तो ये जो आइडिया ये हिंदी फिल्मों में नहीं चल रही, वो जाते किसी के पास वो कहते हैं हाँ आइडिया, एक उनके ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बताया कि एस मुखर्जी जब बिमल रॉय बॉम्बे पहुँचे अपने पूरी यूनिट के साथ तो माँ पिक्चर बनाने पहुँचे, वो बॉम्बे जाने से पहले उन्होंने डिस्कस कर लिया था फिल्म क्या होना है, कौन कास्ट करने, नज़ीर हुसैन बाबा पिता का रोल करने वाले थे, माँ लीला चिटनीस कर रही थी, भारत भूषण तभी बहुत फेमस थे और हीरो कर रहे थे। तो जब पहुँचे वहाँ 10 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिली और सब वहाँ पे हॉस्टल के तौर पे रहते थे, बिमल रॉय की फैमिली उन खाना बनाते उनके साथ खाते, मतलब वो परिवार ही बिमल रॉय का परिवार बन गया और वो
मतलब सब करते, लेकिन पैसा तो सबको चाहिए। तो बिमल दा भी बोले और बाबा राइटर थे इसलिए सब उनको कहते कि स्टोरी सुनाओ। तो एस मुखर्जी के पास SH मुंशी, उन्होंने बाप बेटी फिल्म बनाई, तो एस मुखर्जी के पास गए। वो बहुत बॉम्बे टॉकीज से ही निकल के उन्होंने फिल्मिस्तान शुरू किया था, तो उनको कहानी सुनाई। वो बोले कहानी तो बहुत सुंदर है लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा इस पे फिल्म। तो बोले क्यों नहीं बनाएंगे, बोले मैं बिजनेसमैन हूँ, मुझे तो फ़ायदा मुनाफा देखना है अपना, और ये मैं बनाऊँ तो ये फिल्म तो चलनी को चलेगी नहीं, तो मैं नहीं बनाऊँगा। तो वही फिल्म SH मुंशी, उनकी तब एक बहुत फेमस फिल्म सुपरहिट हुई थी, वो रंजन थे, तो उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा। विमल रॉय के ही डायरेक्शन में वो फिल्म बनी और उनका चलते रहा चूल्हा चौकी, वो रह गए बॉम्बे, अदरवाइज उनको वापस जाना पड़ता। खैर वो ऐसे होते होते फिर माँ बन गई, और इतने में अशोक कुमार जी ने अपना अशोक कुमार प्रोडक्शंस में परिणीता बनाई और विमल रॉय प्रोडक्शंस उन्होंने शुरू किया, पैरेलली दो बीघा जमीन बनी। तो ऐसे फिर वो बॉम्बे में रह गए। अच्छा, लगातार फिर वो करते गए औरों की कहानियों पे, और खुद को जो कहना लिखना जो ऑब्जर्वेशन उनका था जिंदगी के एक्सपीरियंस से, जो रियलाइजेशन, जो संग्रह उनका था, वो पाठकों को पहुंचाना था, उसके लिए वो साहित्य का लेख लिखते। तो यूं जिंदगी उनकी दो रेल की दो पटरी पे, उनका कहना है कि मेरी जिंदगी रेल की दो पटरी पे मैंने गुजारी है, एक साहित्य एक सिनेमा। सिनेमा में मैं 10-12 साल की थी, तब तक मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा काम क्या करते हैं। वो तो स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो पे मैं भी जाती हूँ, तब डायरेक्टर होते हैं, सिनेमाटोग्राफर होते हैं, वो लाइट डालते हैं, कोई एक्टिंग करते हैं, पर बाबा का काम क्या है वो कुछ तो कभी दिखाई नहीं पड़ती है, न समझ में आती है। अभी भी आप किसी को पूछ लो, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि पटकथा, चित्रनाट, स्क्रीन प्ले, जो भी कहें हम, पटकथा होता क्या है, ये चीज़ क्या है। पटकथा वो बॉम्बे में जब गए तब बंगाल से 40s का जो टर्मोइल, उतार चढ़ाव रहा, उसकी वजह से बहुत से फेमस सारे डायरेक्टर्स, फनी मजुमदार, ज्ञान मुखर्जी, मतलब आप नाम करते जाएं सारे, सुशील मजुमदार, सत्यन बोस, ये सारे बंगाल से बॉम्बे आए थे पार्टीशन के बाद। पार्टीशन में क्या हुआ कि एक तो बहुत सारे रीडर्स वहाँ ईस्ट पाकिस्तान हो गया, वहाँ चले गए, तो मार्केट हाफ हो गई, और वहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा कि बंगला किताब, बंगला फिल्म कुछ नहीं चलना है, यहाँ उर्दू को राष्ट्रीय भाषा करना है। तो उसके चलते फिर आगे तो आंदोलन हुआ, सब जानते हैं भाषा आंदोलन 51 से, मतलब बहुत ही वहाँ पे बिल्कुल तब से ही चला कि नहीं, ये नहीं होगा, उर्दू किसी भी दिन नहीं हुआ, लेकिन उस करके सब एकदम ही बंगाली लिटरेचर और सिनेमा में एकदम एक बहुत क्राइसिस आ गया। तो सब बॉम्बे आ गए थे, तो यहाँ आए तो गुरुदत्त न सिर्फ उनके फैमिली वहाँ बंगाल में रहे, वो खुद भी वहाँ स्कूल कॉलेज किए थे, तो वो भी बहुत मिजाज से बंगाली थे। विजय भट्ट, फनी मजुमदार, ज्ञान मुखर्जी, सत्यन बोस, और इनके जो असिस्टेंट भी रहे जैसे राज खोसला, प्रकाश मेहरा, लेक टंडन, सब के लिए वो लिखते रहे 50s, 60s, 70s, यहाँ तक कि FTI में जो उनके स्टूडेंट्स, FTI की बात में जिक्र में आती हूँ मैं, उनके जो स्टूडेंट्स, उनके लिए भी फिर बाद में लिखते रहे 70s के एंड 80s, अर्ली 80s तक वो लिखे। उसके बाद हालांकि वो पहले से ही कोशिश कर रहे थे डायरेक्शन में, दो चार उनके पेट सब्जेक्ट्स, महिला आंचल, वो बिहार में पले बड़े, उनको उनकी इच्छा थी, और उनके फादर भी जो काम, मतलब महिला आंचल में था कि एक ऑर्फन, वो उसको किसी ने पाल पोस के बड़ा किया था और वो डॉक्टर बने,
डॉक्टर बन के वो जब गांव में जाते हैं तो सब देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं सब पहले पूछते हैं डॉक्टर आपका जात क्या हुआ, कास्ट आपका क्या है। तो यहाँ से कि ये भारत माता की ये महिला आंचल जो है कास्टिज्म, इसको साफ करना है। ये जो थॉट ये उनकी फैमिली में ही, हमारे दादाजी के समय से, मेरे दादाजी ने बिहार में बहुत काम किया है इसके अगेंस्ट में, और ये इनके जहन में हमेशा से था, तो इसको लेकर के फिल्म करना चाहते थे। फिल्म वही SH मुंशी उन्होंने प्रोड्यूस किया, 80% फिल्म बनी नाकामयाब। वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के फाइट की वजह से वो फिल्म कंप्लीट नहीं हो पाई और वो बंद पड़ गई। तो ऐसे ही कुछ होते रहा, फिर फाइनली त्रिशाग्नि उन्होंने फिल्म बनाई, बुद्धिज़्म की एक टेनेट, एक सीख जो है कि ये लालसा जो है, डिज़ायर जो है, वो तपते आग की तरह सब कुछ भस्म कर देता है। तो इसको लेकर के उन्होंने ये शरदिंदु बंदोपाध्याय की ही कहानी, उस पर से उन्होंने फिल्म बनाई। ये एक स्क्रीन प्ले कॉम्पिटिशन में NFDC ने कुछ सालों तक 2-3 बार ही किया था, तो उनको स्क्रीन प्ले में अवार्ड मिला। और वो उनका जो था कि अवार्ड में प्राइज मनी नहीं देते थे, वो प्रोडक्शन में असिस्टेंट्स देते थे, 10 लाख का देते थे, फिल्म 10 लाख में बनती नहीं, तो बाकी का पैसा जो खुद फैमिली की सेविंग्स में से जोड़ के 16 लाख में फिल्म बनी थी। कैसे बनाया था अभी सोच भी नहीं पाते हैं हम। खैर, और 72 उनकी उम्र, डिजर्ट में जाके उन्होंने शूटिंग भी करी थी, और 72 उम्र में उनको डेब्यू डायरेक्शन का अवार्ड मिला। खैर, उसके बाद उन्होंने 2 फिल्में और बनाई, लेकिन उनकी जो मंशा थी, मन की इच्छा थी कि ट्रिलॉजी रिलीजन पे उन्होंने मोतीलाल पादरी क्रिश्चियनिटी के बैकग्राउंड में, कमल कुमार मजुमदार जो नीरज मजुमदार आर्टिस्ट हैं उनके बड़े भाई थे, कमल कुमार मजुमदार बहुत ही जाने माने लेखक बंगाली के, उनके उपन्यास पे उन्होंने तय किया। NFDC राजी भी हो गए, लेकिन इस दौरान NFDC के प्रॉब्लम्स हो गए, तो वो फिल्म बनी नहीं। अब 1-2 साल पहले मेरे हाथ एक लेटर आई, उस पर से पता चला कि हम हमेशा सोचते थे कि थर्ड उनका कौन सा था, एक बुद्धिज़्म, एक क्रिश्चियनिटी तो हो गई, वो हिंदुइज़्म या इस्लाम किसको लेकर के करेंगे। अभी जो लेटर आया वो उसने उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया था, जिक्र नहीं किया, रविन्द्रनाथ टैगोर के गोरा पे उन्होंने तय किया था कि अगर ये बन जाए तो फिर गोरा फिल्म बनाएंगे। कहने का मतलब ये है कि होलिस्टिक उनका व्यू जो, वो खुद जो जो जिस विषय पे कुछ बोलना चाहते थे उसके लिए उनका क्षेत्र रह गया साहित्य, और जब वो खुद डायरेक्शन में आए तो वो, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस जो उनका था वो पटकथा हमेशा से डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर्स मीडियम है, तो वो डायरेक्टर का जो पर्सपेक्टिव, डायरेक्टर को जो कहना है वही पटकथा लेखक लिखते रहे हैं। और लेकिन इम्पोर्टेंस इसका क्या है कि विदाउट स्क्रीन प्ले कोई फिल्म बनी तो वो इनडिसिप्लिन्ड फिल्म होगी। ये वेदव्रत पाइन, वो नासा के साइंटिस्ट जिन्होंने रेड कैमरा डिस्कवर किया और उनको बहुत पेटेंट मिल गया, फिर वो फिल्म उन्होंने चिटागोंग फिल्म बनाई, तो वो एक साहित्य चर्चा पे वो बता रहे थे कि डिसिप्लिन तो हम खुद जारी करते हैं, ये कि अगर स्क्रीन प्ले नहीं हो, स्क्रीन प्ले कर लिया इसका मतलब नहीं कि वो उससे हम हट नहीं सकते, लेकिन एक रोड, एक पथ नहीं हो तो उस पे जाएं तो हम ज़्यादा दूर नहीं पहुंच पाएंगे। तो स्क्रीन प्ले वो पथ है, और जो मैंने देखा और समझा, बचपन से देखती आई और ये सब बातें सुनती आई, तो मैंने जो समझा कि स्क्रीन प्ले इज़ डायरेक्शन ऑन पेपर। तो ये 12 साल की उम्र में पहली बार मुझे पता चला कि मेरे फादर क्या लिखते हैं। तो तब से ये चलते रहा था, और स्क्रीन प्ले
वो सिखाते रहे एफटीआई में 1966 से 1991 तक, 25 साल का उनका सफ़र. उसके लिए उन्होंने ऑनरी स्काजा भी दिया. 66 में सेकेंड बैच, थर्ड बैच, मनी कॉल शायद निकल गए थे, लेकिन कुमार शानी खुद कहते हैं कि मैं इनके फादर से सीखा हूँ मैंने, और इनके भाई ने मेरे से सीखा है. तो कुमार शानी, जया जी तब स्टूडेंट थी, बहुत से मतलब तब से, शुरुआत से लेकर 91, इस दौरान जो स्टूडेंट्स निकले, जैसे विधु विनोद चोपड़ा, सईद मिर्ज़ा, गिरीश कासरवली, कुंदन शाह, केतन मेहता, ये सारे मतलब एक से एक डायरेक्टर्स बने. ये सब स्क्रीन प्ले डायरेक्शन के स्टूडेंट्स, जो स्क्रीन प्ले नबेंदु घोष से. तो इसके अलावा बाहर हम देखें, गुलजार साहब खुद कहते हैं कि मुझे तो उंगली पकड़ के उन्होंने सिखाया स्क्रीन प्ले क्या होता है, कैसे लिखना होता है. ऑफ कोर्स बिमल दास से बातचीत होती थी, वो सुनते थे. ये बिमल रॉय प्रोडक्शंस में ये एक था कि सब बैठ के बात करते हैं, उसमें से जो थॉट बेस्ट उनको लगता डायरेक्टर को, वो लेकर के वो फिर पटकथा लेखक के साथ चर्चा करते हैं और वो फिर लिखते हैं. अच्छा, एक दो मज़े की बात वाकया है, बहुत समय नहीं लूँगी मैं. ऐसा लगातार होता था कि साहित्य में जो है कहानी, फिल्म स्क्रिप्ट जब बनती है, डायरेक्टर चाहे न चाहे, डिस्ट्रीब्यूटर, फाइनेंसियर, आजकल कुछ कम हो गया इनका रोल, लेकिन फिर भी है, वो चाहते थे कि एंड हो मिलनांत तक. बंदिनी, आप में से बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा ये सारी, मैं 50 साल पहले की बातें कर रही हूँ लगातार. तो उस समय बंदिनी के जो है, सबने कहा ये कैसे हो सकता है, नूतन धर्मेंद्र के साथ उनका चले जाना ठीक है, वो वापस अशोक कुमार के साथ क्यों जाती है. और इनका कहना कि मैं बंदिनी पिया के, अगर वो चली जाती है उनके साथ, धर्मेंद्र के साथ, तो उसने जिस आदमी को पति मान लिया है और इस करके उसने जहर भी पिला दिया, तो ये लव अगर इतना इस हद तक किसी को चाहती है, प्यार करती है, प्रेम करती है, तो क्या वो किसी और के साथ चली जाएगी? नहीं हो सकता है. यहाँ तक हो गया कि वो डिसीशन छोड़ के चले आए बिमल रॉय प्रोडक्शंस. 3 दिन गए नहीं, बोले नहीं आप जो मर्जी कर लो, मुझे नहीं आपके साथ रहना है, चले आए. 3 दिन के बाद 4th दिन उनके पास लेटर आया बिमल दा का कि आप आ जाओ, आप ही की एंडिंग है, आप नाराज ना हो, चले आइए. ये बिमल रॉय टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, तब कैंसर शायद उनको मतलब जूझ रहे हैं, पकड़ लिया है. उस स्थिति में बिमल रॉय इतना इम्पोर्टेंस देते हैं साहित्य को कि उनको कहते हैं कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी कहे, दिस इज द एंडिंग दैट विल स्टे. ये एक सेम वाकया तीसरी कसम में हुआ. राज कपूर चाहते थे कि एंडिंग में वहीदा रहमान और राज कपूर का मिलन हो जाए. पटकथा लेखक बोले अगर उनकी मिलन हो जाती है, एक तो वो जो कैरेक्टर है हीराबाई, कि मैं अगर शादी कर लेती हूँ तो वो उसके मन में देवी नहीं रहूँगी, और ये देवी एक हर औरत के मन में जो डिग्निटी और श्रद्धा और प्यार का जो मिलाव, एक इसका जो एक लालसा है, वो इनके मन में जो एक नौटंकी की बाई जिसको हर कोई बाजारू समझते हैं, उसके मन में ये है कि मुझे कोई श्रद्धा सम्मान दे, तो वो कहते कि नहीं, इसके मन में ये देवी की जो छवि बनी है वो रहे, मैं चली जाऊं. लेकिन एक और बात है कि राइटर ने जो लिखा है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, कहानी शुरू होती है कि एक बंदे ने
पहला तो चुराई माल, स्मगल्ड गुड्स नहीं लेना है. नेपाल बॉर्डर से स्मगल्ड गुड्स आते हैं, ये फॉरबेसगंज के राइटर वो जानते हैं. वो कहते हैं कि नहीं लेना है, उसको बहुत भारी पड़ गया. दूसरा है बांस को लेकर के नहीं चलना है. फाइनली वो तीसरी कसम लेता है कि कंपनी के बाइक को कभी गाड़ी में नहीं बिठाना. तो ये क्यों ले रहा है तीसरी कसम? फिर अगर कहानी है तो ये हम कौन सी कहानी बता रहे हैं अगर वो इनकी शादी हो जाती है तो? तो कहने का मतलब कि अ राइटर हैज टू टेक स्टांस नॉट ओनली इन सोशल टर्म्स, सामाजिक तौर पे नहीं, वो अपने पात्रों और अपने किरदारों के प्रति भी उनको ऑनेस्ट होना है कि एक पात्र को यहाँ से वो चल रहा है, वो उड़ के नहीं जा सकता है कहीं और, उसको इसी लकीर पे चलना होगा. तो ये उनकी सारी जिंदगी में एक और बात है जिसके कारण से उन्होंने जितनी भी फिल्में लिखी ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से अभी भी क्लासिक्स माने जाते हैं. शक्ति सामंत, हौरा ब्रिज, बाकी डिटेक्टिव, ऐसे और भी फिल्में उन्होंने लिखी. तो शक्ति सामंत की एक पहली फिल्म, पहली नहीं मतलब अर्ली फिल्म है इंसान जाग उठा. दैट वाज अबाउट एक डैम बन रही है नागार्जुनाकांड सागर में डैम बनी थी, उस वहाँ पे शूट किया था उन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी. तो आप जो भी देखोगे मोस्टली पहले जो बादबान एक फिल्म बनी थी, कोई भी उसका प्रिंट नहीं अभी कहीं मिलता है, ये बॉम्बे टॉकीज जब बंद हो रहा तब बॉम्बे टॉकीज के जितने वर्कर्स थे सब ने पैसे जोड़ के उन्होंने कहा कि ये फिल्म हम बनाएंगे. और ये फिशरमैन की लाइफ पे उस टाइम पे बनी थी, 53 में शायद बनी थी ये भी. तो ऐसी कहानी, और इसमें भी देवानंद, उषा किरण और मीना कुमारी, उनकी अर्ली फिल्म ये 52-53 की बनी, कोई प्रिंट नहीं मिलता है. तो इस सब्जेक्ट इसका था कि यही स्ट्रगल कि एक लड़का पढ़ के आता है, जो मेला आचल भी में भी मिलता है, देवदास पढ़े लिखे एक कैरेक्टर है, और उनको पता चलता है कि ही वॉज अडॉप्टेड, वो असल में फिश मॉन्गर का, फिश सेलर का लड़का था. तो वो फिर इनके भलाई के, इनके वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, और वो कोऑपरेटिव की ये क्राउड फंडिंग का, शायद वो तब लब्ज ये किसी को पता नहीं था क्राउड फंडिंग, लेकिन ये कोऑपरेटिव बना के उन्होंने अपने आप से सब ने पैसे जोड़ के ये फिल्म बनाई थी. और ऐसे ही मतलब कहने का मतलब है ये सब ऐसे फिल्में, आकाशदीप एक फिल्म बनी थी फनी मजुमदार की, मैथिली फिल्म एक उनका, ऐसे सब स्क्रीन प्ले. सत्यन बोस न सिर्फ चलती के नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी पर दोस्ती ऐसे फिल्में बनाई उन्होंने, आंसू बन गए फूल, ज्योत जले एक फिल्म बनाई थी अबाउट अ मास्टर हु टीचर्स हिज ओन सन, सन को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उस पे उनकी कहानी थी, नबेंदुदा की कहानी, वो सत्यन बोस ने बनाई. तो उनके जो थीम्स होते थे वो हमेशा एक सोशल एंगल उसमें हुआ करता था. और मैंने तो लगभग बता ही दिया है कि देवदास, बंदिनी, सुजाता, तीसरी कसम, ये सब. अभिमान, अभिमान ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. अभी आजकल स्क्रीन प्ले के लिए भी दो अवार्ड्स दिए जाते हैं, एडेप्टेड स्क्रीन प्ले और ओरिजिनल स्क्रीन प्ले. अभिमान की स्टोरी आइडिया और थी, डायलॉग कृष्ण चंद्र के थे और स्क्रीन प्ले इनका था. उसमें भी जो छोटी छोटी बातें जो एक पटकथा लेखक ले आते हैं एक एक, एक कहानी में, एक फ्लो ऑफ इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स में, वो जो सेक्रेटरी का कैरेक्टर है वो कहते हैं कि भगवान बैठे हुए हैं. चित्रगुप्त से पूछते हैं, ये बहुत सक्सेसफुल है, इसको क्या हासिल इसने किया कि ये बहुत पैसा है इसके पास, बहुत खूबसूरत बीवी है, बच्चे, इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ करता है वो. अच्छा ठीक है, उसको ना एक शक की बना दो,
तो जितना वो उछल रहा है बैलेंस हो जाएगा. फला ने क्या किया, बहुत इसके ये ज़मीन बहुत है, इसके पास पैसे बहुत है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, इसके माँ बाप बहुत अच्छे हैं. अच्छा ठीक है, उसको एक बदहजमी का एक बीमारी दे दो. ऐसे मतलब कि ये जो पर्सपेक्टिव कि एक कैरेक्टर, छोटी छोटी बातें, इससे भी एक कैरेक्टर बन जाता है कि वो सिर्फ सेक्रेटरी ही नहीं, वो भलाई, वो टोटल पिक्चर देखता है. तो ऐसी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ये नबिंदुदा करते थे. और गुलजार साहब की अभी मैंने जिक्र करी, तो बंदिनी के टाइम पे, बंदिनी की जो नूतन के फादर का जो कैरेक्टर था वो वैष्णव कैरेक्टर एक है, विद्यापति, अरे सॉरी, वैष्णव पदावली के सॉन्ग में से, मोरा गोरा अंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे. ये वैष्णव पदावली में राधा जा रही हैं कृष्ण से मिलने, तो चांद निकला है, तो कहते कि सब देख लेंगे, तो मेरा गोरा रंग तू ले ले और मुझे कृष्ण का कलर दे दे. तो एक तो प्रेम का रंग और एक पूरे माहौल उसका रंग, ये सब जो है कविता. उनके फैमिली में उनके पिताजी खुद बहुत कीर्तन में बहुत ही जाने माने थे, तो बचपन से वो सुनते आए थे ये सारी बातें, उनके पर्सनल राइटिंग में और लेख में वो सब डालते गए. कुछ कास्टिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत, प्लस मुझे रोक दीजिएगा कि अब 5 मिनट. दादा मुनि के साथ तो जब बॉम्बे गए तब से ही उनका रहा था, बहुत ही क्लोज. फिर दादा मुनि पे उन्होंने दूरदर्शन के लिए अनमोल रतन एक डॉक्यूमेंट्री भी करी थी. फिर उसके बनते हुए उन्होंने एक किताब भी दादा मुनि पे लिखा. तो दादा मुनि के साथ बहुत ही पर्सनल इनका सब था. और मैं जब जर्नलिस्ट बनी 78 में, मैं गई दादा मुनि, तब किशोर साहब, किशोर काका की ही एक फिल्म वो कर रहे थे, वो लास्ट बढ़ती का नाम दाढ़ी ऐसा ही कुछ था, वो फिल्म खास नहीं है. लेकिन तब जब मैं गई तो दादा मुनि तब मेरी मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि बाबा से जाके पूछो कि ये क्या हुआ था, ये वर्ड का क्या मीनिंग है. कुछ उनके टाइम पे हो गया था कि ये बीते बीते नहीं थे तो उनको पिला दिया था, और तब अंग्रेजी के एमए, और उन्होंने गलत शलत अंग्रेजी बोलने लग गए, ब्रेकन ब्रोकन हार्टेड को ब्रेकन हार्टेड ऐसे सब बोलने लगे. तो वो लास्ट एज तक उनका मजाक, उनकी जो रिलेशनशिप थी ऐसे ही थे. और धर्मेंद्र साहब, बंदिनी वॉज हिज फर्स्ट फिल्म, वो आए जब से, वो हमेशा दादा को बहुत ही मानते रहे. लेकिन वो कहते हैं कि जब बंदिनी में सब लोग कहते हैं कि डॉक्टर के साथ चला, डॉक्टर धर्मेंद्र कर रहे थे और फ्रीडम फाइटर अशोक कुमार थे, तो कहते हैं कि डॉक्टर के साथ जाना चाहे उनको जाने दो, और वो कहते नहीं फ्रीडम फाइटर के साथ जाना है. तो मुझे लगता था क्यों इनको, क्या मेरे साथ, क्या इनकी कोई दुश्मनी तो है नहीं, क्यों मेरे साथ नहीं नूतन को जाने दे रहे हैं. जब मैंने फिल्म देखा तो मेरी समझ में आई क्यों वो ऐसा कहते थे. और तब से लेकर लास्ट, जब लास्ट का मतलब प्रतिज्ञा वगैरह, कितनी ही फिल्मों में धर्मेंद्र बहुत ही 60s, मिड 60s से बहुत मतलब एक एक फिल्म उनके जो है पॉपुलर होते गए, और बहुत रबिश फिल्म उनके पास आते थे. तो वो कहते थे कि नाक कहाँ तक करें, एक इंडस्ट्री में रहते हुए बहुत ज़्यादा ना नहीं कर सकते हैं क्योंकि फिर लोग बदनामी हो जाती है. तो कहते कि आप जाओ दादा के पास, अगर दादा बोले कि इससे इसका स्क्रिप्ट वो करेंगे और इसमें से कुछ निकलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. तो मतलब इतना विश्वास
उनका था इनके पटकथा पे कि अगर वो करें तो वो एक कैरेक्टर निकल आएगा, तो इसलिए वो करेंगे। राज कपूर तीसरी कसम के दौरान उनके साथ भी ये मनमुटाव हुआ, वो बोले कि क्यों हमारे साथ नहीं जाने देंगे अभेदा रहमान के कैरेक्टर को, होते होते लेकिन फिल्म जब बन गई वो बोले कि दादा आप अगर कोई भी फिल्म करते हो तो आप मुझे बताएं, मेरे जितना भी मेरे से बन पाएगा मैं हूँ आपके साथ, हेल्प करूँगा। जब त्रिशाग्नि उन्होंने बनाई तो वो जो पूरा मुनासिशी का सीन था वो आरके स्टूडियोज़ में उन्होंने बनाया, और वहाँ पे एक महीने से, एक महीना क्या, तीन कुछ कई महीने लगते हैं फिल्म बनने में, सेट बना के उन्होंने रख दिया। उन्होंने कहा कि ये सेट तोड़ना नहीं है, उनकी शूटिंग ख़त्म होगी जब तब वो निकालेंगे। तो ऐसे ही मतलब सब एक से एक, सुनील दत्त कहते कि आपने क्या हमको सुजाता कर दिया, सबने मुझे दत्तो बाबू बना दिया, दत्त साहब से दत्तो बाबू बन गए, लेकिन वो बड़े गर्व के साथ वो कहते थे दत्तो बाबू। मीना कुमारी जी से तो एकदम पहले से मुझे तो लग रहा है कि नबेंदु घोष को ही क्रश था, वो फैन थे मीना कुमारी के, परिणीता बादवान यहूदी मतलब सारे, मजली दीदी तक भी वो हमेशा जो भी इंटरेस्टिंग रोल वो पहले सोच लेते थे कि मीना कुमारी की कास्टिंग हो सकती है कि नहीं। और उन्होंने एक फिल्म, एक स्टोरी भी लिखी है जो कुछ उनकी ज़िंदगी की झलक उसमें मैं पाती हूँ। तो फाइनली जया जी कहती हैं, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, उनकी 90th बर्थडे में उन्होंने कहा था कि इट विल मतलब वो कहती हैं कि उन्होंने, इट वॉज माई गुड फॉर्चून टू हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम रिनाउंड राइटर नबेंदु घोष, एज माई प्रोफेसर एट FTI, ही हेल्प्ड मी टू ग्रो एंड प्रोग्रेस इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। ऐसा हुआ था कि वो जब स्टूडेंट थी उनको सारा आकाश में काम करने का एक प्रपोजल आया, तो सब सोचते हैं कि मौका मिल गया है शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि दादा क्या करें, मास्टर मशाय क्या करें। तो बोले कि देखो आप शुरू तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपने ये एजुकेशन कंप्लीट कर लिया तो आपका जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपके पैर के नीचे जो ज़मीन है वो एक आपको अलग दूसरा ही एक स्टेटस, एक मुकाम आपका बन जाएगा। तो उन्होंने कर लिया, और उसके बाद गुड्डी करते करते ही मतलब कंप्लीट करते ही गुड्डी का उनके पास ऑफर आ गया, एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। तो लास्ट वर्ड के ये कहते हैं रवि ओझा नाम के थे वो, उन्होंने कहा कि फर्स्ट डे क्लास में वो आके उन्होंने कहा कि कहानी वहानी जो है ना, सेम कहानी दुनिया भर में मशहूर है, वो सेम सिचुएशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। तो यहाँ पे आके एक राइटर, एक स्क्रीन प्ले राइटर का खास करके एक इम्पोर्टेंस इस जगह पे है कि जो बेसिक स्टोरी है वो 6 या 7 बेसिक स्टोरी है, और उसके 36 आपके डिफरेंट कलर्स मिलेंगे, और इस 36 को आप 360 डेज हर एक नई फिल्म आप देखोगे तो उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, ये उन्होंने सिखाया हमको। तो ये बात कहाँ से चलती है, साहित्य में उनका हम देखते हैं तो उनके कई कैरेक्टर्स हैं जो विटनेस है, ये जो घटनाएं घट रही है, कहीं पे अरण्य नाम की कहानी है उसमें बंदर है, काकभूषणी कथा एक कौवा देख रहा है, पापुईदी पर कहानी एक भूत बता रहा है, मर गया है वो बता रहा है, मतलब ऐसे ही हर बार या तो कोई दोस्त या तो कोई कैरेक्टर उनके, जैसे कि उनके आँखों के सामने ये हो रहा है।
ये पटकथा लेखक लिख रहे हैं इस करके हो रहा है या उनके उनके नॉवेल्स में उनके राइटिंग में ये क्वालिटी थी इसलिए बिमल रॉय ने उनको चूज किया था? ले देखे वही बात कि उनकी जिंदगी रेल की दो पटरी पे चल रही है, एक साहित्य एक पटकथा, ये अलग करना मुश्किल है। थैंक यू।